अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ए सेंटर की तरफ से जूलॉजी फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 23 का आपके लिए सॉल्व करके लाए हैं। तो सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू अ डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट। डबल सर्किट हार्ट का मतलब है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब है सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, तो पहले आप जरा समझ लें इसी को कि डबल सर्किट हार्ट का क्या मतलब है। इट इज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट इन टू सेपरेट पाथवे, दो अलग अलग रास्तों के जरिए दिल में दो दफा खून जो है वो दिल में से गुजरता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्किट हार्ट या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब वो कौन से दो हैं जरा ये भी हम समझ लेते हैं कि द राइट पम्प सेंड्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पहले क्या होता है कि सीधे हाथ से ऑरिकल जो है वो पंप करता है जिसम से सारा गंदा खून जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो दिल में आया है उसको लंग्स की तरफ पुश कर देता है, पंप कर देता है, ये एक बात है, ठीक है। वेयर इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ये प्योर हो जाता है, ये साफ हो जाता है, एंड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट और दिल की तरफ वापस आता है। अब दिल की तरफ जब वापस आता है तो लेफ्ट पाथ या लेफ्ट पम्प जो है वो सेंड्स द न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराउंड द बॉडी विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होता है कि जो उल्टे हाथ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पम्प करेगा, अब ये साफ सुथरा खून जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है लंग्स के जरिए दिल में दोबारा सेकंड पाथ में, तो ऐसे इस खून को पूरे जिस्म में पहुंचाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा, श्रिंक करेगा और इनको पुश कर देगा इस खून को पूरे जिस्म में। तो इस वजह से ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। आइए अब जो आंसर आपको रीजन लिखना है ये एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, और जो ब्लू से मैंने लिखा है ये आप उसमें लिखेंगे रीजन में। पहले रीजन की हेडिंग डालेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे। तो रीजन में आप क्या लिखेंगे, डबल सर्किट हार्ट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई टू एंटायर बॉडी ऑर्गन्स इन मच फास्टर एंड विद हायर प्रेशर फॉर बेटर हाई एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि जनाब के उर्दू वाले भी समझ लें इसे, जो दोहरा सर्किट दिल का जो सर्किट है वो ऑक्सीजन से भरपूर खून को सप्लाई करता है पूरे जिस्म के हिस्सों को और उसके आज़ा को बहुत तेजी से इन मच फास्टर एंड विद हायर प्रेशर, और उस खून का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है फॉर बेटर हाई एनर्जी प्रोडक्शन, जिसके जरिए बहुत अच्छे तरीके से अच्छी ज़्यादा मकदार में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है सेल्स में, जब ऑर्गन्स तक ऑर्गन्स के जरिए सेल्स तक जो है ये खून पहुँचता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दिस सर्कुलेशन इज बेटर देन द सिंगल सर्किट हार्ट। इसमें मिक्सिंग नहीं होती, इसमें जो है वो गंदे खून की आमोजिश नहीं होती, इस आमोजिश ना होने की वजह से ये साफ सुथरा खून बहुत तेजी से और बहुत प्रेशर के जरिए जो है वो तमाम आज़ा को जिस्म के पहुंचता है, और इस तरह जो है वो ज़्यादा तवानाई जो है वो हासिल होती है, क्योंकि सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, विच हेल्प इन एफिशिएंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आप उसको समझना चाहें मजीद तो ये हम इतना भी लिख सकते हैं कि वेयर, या आप समझ सकते हैं, आप लिखिएगा मत, कि वेयर सिंगल सर्किट हार्ट मिक्स्ड ब्लड विच कैरीज सम कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज सप्लाइड विद लेस प्रेशर री स्लोली टू ऑर्गन्स कुड नॉट अचीव एनर्जी डिमांड फॉर द बॉडी। अच्छा, तो जो हमारा जो सिंगल सर्किट हार्ट है वो मिक्स ब्लड को लेकर आता है, क्योंकि मिक्स ब्लड का क्या मतलब है, साफ और ऑक्सीजन वाले खून के अलावा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून भी उसमें शामिल होता है, और इस खून की प्रेशर भी कम होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स तक पहुँचता है,
और इस वजह से जो एनर्जी जिसम को चाहिए उतनी एनर्जी हासिल नहीं हो पाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। आप आंसर में जो है वो सिर्फ ब्लू हिस्सा लिखकर, ब्लू इंक से जो लिखा है इसको लिखकर भी आप अपने आंसर को अवेल कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आप जो है वो ऊपर का हिस्सा लिख दीजिएगा, पहले आपको जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन और फिर राइट एंड लेफ्ट पाथ बता दीजिएगा, ये आपकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।